गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पुरवा, एंड जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो जो हमारा पार्ट नंबर 4 था उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने, आप लोगों को जरूर याद हुआ कि हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, है ना। तो हमको उसको आगे स्टडी करना था, तो हम पार्ट नंबर 5 से नेक्स्ट जो सेकेंड हमारी रिएक्शन थी वो पढ़ने वाले हैं। हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती है, हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी 5 प्रकार की होती है, मेनली 5 प्रकार की होती है। उसमें हम जो सबसे फर्स्ट वन थी वो हम पढ़ चुके थे, कौन सी संयोजन अभिक्रियाएँ, कंपोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो हम पढ़ चुके थे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संयोजन या वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें हमारी अभिक्रिया जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक प्रैक्टिकल दे रखा है, क्रियाकलाप दे रखा है, वो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एक शुष्क पथनांग नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट को क्रिस्टल को रंग पर ध्यान दीजिए। पथनांग नली को बर्नर या स्ट्रीट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, ठीक है। और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल में रंग दिखाई देगा, यानी कि हमको क्या बोला गया है, तो हमको इतना करना। उसके बाद हमको क्या बोला है यहाँ पे, हमको क्या देखना है यहाँ पे, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग जो है उसमें कोई चेंज आएगा, उसके बारे में हमको देखना है। तो क्या चेंज आएगा, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ, और सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को आप सूंघ सकते हैं। यानी कि क्या बोला गया है यहाँ पे कि फेरस सल्फेट को क्या किया हमने, गर्म किया एक तरह से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, टूट गया है, और किस में चेंज हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। तो इसी तरह से हमको बोला है, क्या बोला था कि हमको ये प्रैक्टिकल दिया था कि फेरस सल्फेट को हमको गर्म करना था, और हमको क्या दिखा कि फेरस सल्फेट जो है वो क्या हो गया, उसके क्रिस्टल में कुछ चेंज आए हैं। क्या आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। तो यह अभिक्रिया किसी हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है, इसमें हमारा अभिकारक कौन था, एक ही था, है ना। और वो किसकी प्रेजेंस में, ऊष्मा की प्रेजेंस में, यानी उसको हमने गर्म करने पर क्या हो गया, ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो गया। यानी कि हमारा एक ही अभिकारक कितने में, 3 उत्पादों में टूट गया है। तो वही बताया गया कि ये अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इस पदार्थ का वियोजन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें अभिकारक टूटकर अलग अलग नए उत्पाद या 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है हमारी, वियोजन अभिक्रिया होती है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे S लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, जो कि बता रहा है कि ये गैस है और ये सॉलिड है। तो किस तरह से हुआ, इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि A की अभिकारक क्या हो गया, कई उत्पादों में टूट गया, जिसकी वजह से ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी हमारी, वियोजन अभिक्रिया। इतना हो गया, उसके बाद हमको क्या कर रहा है, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। उसमें लेने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया उष्मीय वियोजन कहलाती है। यानी कि क्या हो रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है हमको, बिना बुझा चूना जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको क्या हो गई, उसको गर्म, उसको उष्मा दी गई है, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दी गई है, उष्मा दी गई है, जिससे क्या हो गया, वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट पर उष्मा देने पर क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो इसमें भी एक तरह से उष्मा दी जा रही है उसको, उष्मा के कारण क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो ये कौन सी हो जाएगी, उष्मीय वियोजन हो जाएगी। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक, कोई एक अभिकारक का वियोजन होकर कई उत्पाद बन रहे हो, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे हो, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया। और यही वियोजन अभिक्रिया जब उष्मा की प्रेजेंस में होगी तो ये कैसा वियोजन कहलाएगा, उष्मीय वियोजन कहलाएगा, जिसका एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। उष्मीय एग्जांपल का एक, उष्मीय वियोजन का एक और एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं ये, तो हम वो देख लेते हैं। आप क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक पथनांग नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से पथनांग नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए।
जैसा कि इसमें दिख रहा है, इन्होंने क्या किया है, ये जो टेस्ट ट्यूब है यानी परखना लिया, उसने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया है, और उसको क्या कर रहा है, चिमटे से पकड़ लिया, उसको क्या कर रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं ये बर्नर पर। ठीक है, आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे नोट कीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, गर्म करने पर क्या होता है, इसमें धुआं निकलने लगता है ना। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन हो रहा है कि लेड जो है वो धुएं में चेंज होने लगेगा। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यानी क्या हो गया, अगर इसको गर्म कर दे तो आपको दिख रहा है ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का धुआं क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है, और ये जो धुआं है क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि एक तरह से जो हमारा लेड नाइट्रेट था उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो गया, बाहर निकल रहा है, किस फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में। तथा यह अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, किस तरह से लिख सकते हैं हम इस अभिक्रिया को, कि लेड नाइट्रेट जो होता है उसको गर्म करने पर क्या होता है, ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, गर्म करने पर हम क्या हो जाएगा, इसका विघटन हो रहा है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गई, और साथ ही साथ किसका, उष्मीय वियोजन का भी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम उष्मा दे रहे हैं तब जाके वियोजन हो रहा है। अब नेक्स्ट डे रखा है हमको, एक और प्रैक्टिकल दिया था हमको कि हमको क्या करना था, सूर्य के प्रकाश जो खिड़की से आता है वहाँ पर हमने क्या करा था, सिल्वर क्लोराइड जो था हमारा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसके कुछ मात्रा हमने क्या करी, एक चाइनीज डिश में रखकर उसके सूर्य के प्रकाश के जस्ट सामने रख दिए, यानी कि विंडो से इसे प्रकाश आ रहा है और उसमें हमने क्या कर दिया है, इस तरह से क्या रख दिया है वहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड रखा है। अब उसमें क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है, यानी कि सूर्य की प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की जैसे ही उस पर पड़ेगा सिल्वर क्लोराइड पे, वो कैसा चेंज होने लगेगा, उसका यूं कलर वाइट होता है पर यूं कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन होने लगेगा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित होने के कारण ऐसा होता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला आता है AgCl। जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो AgOCl में टूट गया है, AgOCl2 में टूट गया, यानी कि क्या हुआ है, इसमें वियोजन हो गया है, किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, यानी एक तरह से उष्मा और ताप की वजह से क्या हो गया, इसमें चेंज हुआ है। तो ये भी एक तरह से विघटन हो रहा है, AgCl से AgOCl2 चला गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड के साथ करेंगे तो उस केस में भी यही होता है कि वो टूटकर Ag और Br में चेंज हो जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन सी, इसी रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, यानी इसी मेथड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है, अब ये जो वियोजन अभिक्रिया हो रही है किस प्रकार की ऊर्जा के कारण हो रही है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा के कारण हो रही है ये, है ना। अब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि जब एक अभिकारक टूटकर उष्मा की प्रेजेंस में टूटकर क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब यही वियोजन अभिक्रिया उष्मा की प्रेजेंस में होता है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। अब कल हमने पढ़ा था, जब हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें उष्मा उत्सर्जित हो रही थी, है ना। अब उसी का जस्ट अपोजिट उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस रिएक्शन में उष्मा दे ही रहे हैं किसी ना किसी पदार्थ को, तभी जाके वो टूट रहा है। जैसे हमने इसमें क्या करा, सूर्य का प्रकाश दिया, इसको उष्मा मिली तब जाके क्या हो गया, दो पदार्थों में विघटित हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, लेड नाइट्रेट था उसको ताप किया यानी उसको गर्म किया, उसको उष्मा दी तो क्या हो गया, लेड ऑक्साइड में और तीन प्रकार के पदार्थों में टूट गए। तो वही यहाँ पे हमको बताया गया है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसकी वियोजन अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ को हमको तोड़ना है ना, तो कहीं ना कहीं पहले से कोई अभिकारक है और उसके जो बंध है उसमें परमाणु के बंध आपस में बंधा हुआ है, अगर उसके बंधों को तोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं उष्मा देना पड़ेगी, प्रकाश देनी पड़ेगी या विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर
जैसे हम बात करें IGCL की, तो ये खुद एक फॉर्मूला है ना IGCL, तो और इस यानी एक तरह से कोई निश्चित पदार्थ बना हुआ है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कहीं ना कहीं क्या देना पड़ती है उसमें, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कर रहे हैं हमको क्या करनी है, रिएक्शन कराने के लिए कहीं ना कहीं उष्मा देनी पड़ रही है ना, और उष्मा शोषित करके वो पदार्थ टूट रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होती है, उष्मा का शोषण हो रहा है, यानी उष्मा को वो अपने आप में लेता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है हमारी, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हमको वाटर को क्या करना, इवोपरेट करना होता है, यानी कि वाटर को क्या करना होता है, भाप बनाना होती है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर को उष्मा देनी पड़ेगी, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो एक तरह से हम उसको उष्मा दे रहे हैं है ना, तभी जाके वो इवोपरेट होगा। तो ये किसी हो जाएगा, ये हमारी किसी का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया का, क्योंकि ये उष्मा क्या करेगा, शोषण करेगा, तब जाके ये क्या करेगा, इवोपरेट होगा। ऐसे हमको ब्रेड को बेक करना है, तो ब्रेड को बेक करने के लिए भी हमको उसको गर्म करना पड़ेगा, उष्मा देनी पड़ेगी। ऐसे ही एग को फ्राइंग करना हो, या फिर फोटोसिंथेसिस जो होती है, पौधे भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, तो क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, उसका खाना बनाते हैं पौधे। तो वो ये कि ये भी क्या हो गई, एक तरह से किसका एग्जाम्पल हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया का, जहाँ पर ये क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश को शोषण करेंगे। तो वही अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, यानी कि उसमें क्या करती है, अवशोषित की जाती है ऊर्जा, वो उष्मा वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने अभी तक अभिक्रिया के दो प्रकार पढ़ लिए हैं, सबसे पहली कौन सी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। बाकी की तीन अभिक्रियाएँ हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, इतना आपको अभी नोट कर लेना है। ओके, थैंक यू।